नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल बोला था कि मैं पहले आपको डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ। कल मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में बताया था कि जैसे ये जो अपवर्ड एंगल है, ये ग्रीन कैंडल से जो अपवर्ड एंगल ऊपर गया हुआ है, उसको क्रॉस करने में ये नाकामयाब रही मूवमेंट बैंक निफ्टी की। तो जैसे ही ये कल के लो के नीचे अगर ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो एक सेलिंग प्रेशर बहुत ज़ोर से दिख सकता है, ये मैंने कल बताया था। और ये कल मैंने ये भी बताया था कि ये राउंडिंग बॉटम है, ये अगर टूटता है तो हमको बहुत ज़ोर से बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिखी। सॉरी, अब आगे क्या? जैसे कि आज की सेशन में हमने देख लिया कि इतना बड़ा फॉल आ गया, जैसे कल के क्लोजिंग में था 42,700, आज के क्लोजिंग में 41,700 के आसपास, तो हम लोग ने 1,000 पॉइंट का फॉल देख लिया। अब व्हाट नेक्स्ट? जैसे आपने अगर वीकली वीडियो मेरा देखा होगा तो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है नीचे का, वहाँ से मैंने गैन पैंट डाला था और मैंने ये बताया था कि जब तक 43,200 या 400 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ऊपर की मूवमेंट हमको देखनी नहीं है, कॉशियसली ट्रेड करना है। मैं बार बार वो लिख रहा था कि कॉशियसली ट्रेड करना। और उसके बाद तब तक मैंने ये भी आपको, उसी वक्त मैंने आपको टारगेट दिया होगा कि मैं 40,000 का मेरा टारगेट रहेगा, 40,200, 40,100 का। तो अभी हमारा टारगेट जो है वो करीबन निकल के आ रहा है 40,500। अब उसके पहले हमको ये देखना है कि ये जो लो था, जैसे कि 41,570 का जो लो बनाया हुआ था, वो लो टेक्निकली होल्ड किया हुआ है, तो 540 के नीचे थोड़ा सा मार के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी है, तो वो जो है वो टेक्निकली होल्ड किया हुआ दिखता है। लेकिन जब तक इसका डाउनवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक इसको हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट लेने का कोशिश करके 2-3 दिन या 1-2 दिन ये लोग साइडवेज मोमेंटम रखने की कोशिश करेंगे। और अगर उसके बाद अगर ये टूटता है, ये डाउनवर्ड टूटने के बाद हमको रियल प्रेशर दिखेगा, जो शायद मैं आपको 39,000 तक भी ले जा सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन उसके पहले 40,500 से लेकर 40,400 का जो जोन रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, वो सपोर्टिव जोन रहेगा, वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम लोग नीचे की लेवल की बात नहीं करेंगे। तो अभी पहले हमारा टारगेट रहेगा 40,500। सो बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कल ये मैंने बताया था कि कल का लो जो है उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है, डाउनवर्ड एंगल जो है कल का लो जो है वहाँ से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद अगर उसके नीचे क्लोजिंग देके बैंक निफ्टी जाती है तो यहाँ पे हमको सेल सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 42,540, मैंने 42,540 में ये 9:25 के आसपास मैंने बैंक निफ्टी में सेल दिया था, क्योंकि वो जो डाउनवर्ड एंगल था वो कल का भी लो था, परसों का भी लो था, और वो डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत जोर से मोमेंटम दे दी नीचे की साइड में। तो 42,500 के नीचे थोड़ी सर्दी अभी भी है, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। हाँ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ वापस, सॉरी, कि 42,500 के नीचे ये जो कल का और परसों का आप देखेंगे, कल का और परसों का जो डाउनवर्ड एंगल था वहाँ से नीचे आने के बाद ये क्लियर कट सेल सिग्नल दिया, यहाँ पे गोली छूट गई,
यहाँ पे गोली छूटने के बाद रिटर्न नहीं आई, और यही एक मोमेंट थी जहाँ से वन वे हमको बंदी मिली। यहाँ से अगर आप देखेंगे 42,525, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहले मैसेज डाला था मैंने कि बैंक निफ्टी सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ 42,630। आप देखेंगे 9:26 हुआ है, तो आप 9:26 को अगर आप देखेंगे तो 9:26 को ये 9:25 है, 9:26 को 42,500 था। मैंने ये सिर्फ ये एंगल के ऊपर का ये स्टॉप लॉस लगाया। आपको देखेंगे यहाँ पे 630 का आंकड़ा दिख रहा है राइट साइड में, 42,630, तो 630 का स्टॉप लॉस से मैंने यहाँ पे सेल दे दिया, और बाद में वन वे बैंक निफ्टी बिना रुके यहाँ पे 42,000 तक पहुँच गई। 42,000 पे जाने के बाद वापस वहाँ से बहुत जोर से प्रेशर दिखा और हमको 41,500 तक की मूवमेंट मिली। अब यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ। यहाँ पे मैंने आपको अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जब तक डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं है तब तक सेल सिग्नल क्लियर कट हमको मिलता नहीं है। और मैंने 9:26 को मैंने क्यों डाला, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल टूटने के बाद ये सेकेंड कैंडल 9:20 को ख़त्म हो गई, और थर्ड कैंडल जो है 9:25 को ख़त्म हो गई। 9:25 को ख़त्म होने के बाद उसने सेकेंड कैंडल के नीचे मारा था, तो मैंने सीधा उसको सेल दे दिया। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मेरा हर वक्त एक ही कहना रहता है कि बंदूक से गोली छूटी तो वापस नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से ये सेलिंग की मूवमेंट आ गई। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं। अब जैसे कि यहाँ से ये बॉटम से जोर से एक अपवर्ड मोमेंटम आ गई, अगर आप देखेंगे ये हाई जो है ये हाई का भी अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट हाई है, सेकेंड हाई जो बनाने का है वो बनाया यहाँ पे ही, उसका अपवर्ड एंगल भी क्रॉस नहीं हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा बेरिश कैंडल बना दिया, बेरिश कैंडल बोलेगा तो एंगल्फिंग क्या बोलते हैं इसको, हाँ तो बेरिश कैंडल बनाया और वहां से वापस सेलिंग कैंडल आ गई। तो अपवर्ड कैंडल अपवर्ड एंगल के पास वहां पे कोई भी मतलब आज के सेशन में कोई भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ नहीं, वन वे हमको मंदी दिखने को मिली। अभी कल के सेशन में क्या होगा, अभी कल के सेशन में जैसे कि बाय सिग्नल जनरेट हुआ नहीं करके मैंने बाय सिग्नल बताया नहीं, यहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ। हाँ, तो कल के सेशन में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस के तौर पे अगर आप देखेंगे 42,080 जो ये हाई है, ये हाई से मैंने ये डाला है, ये 42,080 का पॉइंट आता है। उसके बाद 43,200 जो एवरी हाई जो छोटा छोटा बना है वो मैंने डालते गया हूँ, और ये जो पॉइंट रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा 43,480। अभी जैसे कि ये सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो ये जो डाउनवर्ड एंगल है ये जब तक डाउनवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है ये, तब तक फर्स्ट सिग्नल बाइंग का मिलने वाला नहीं है। भले ही बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर आ जावे तो भी सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वो 43,480 और 43,510 का जोन रहेगा। जैसे कि ये यहाँ से भी ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो है जोर से सेलिंग प्रेशर आया था वो पॉइंट था। तो वहाँ से आपको ये देखना है कि 43,480 और 43,510 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक सेलिंग बाइंग आने वाली नहीं है। ऊपर की तरफ में सेलिंग का प्रेशर देखते रहेगा, नीचे की तरफ में अगर हम देखते हैं तो आज का जो लो है वहाँ से अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो 480 का पॉइंट आता है। जैसे ये 480 जैसे ही टूटेगा नीचे के साइड में आपको 40,940 तक की मूवमेंट तुमको मिलने के चांस रहेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए बस इतना ही, अभी मैं निफ्टी में दिखाता हूँ। आज मैंने ये बैकग्राउंड जो है ब्लैक किया हुआ है थोड़ा सा, बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, सॉरी निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी का पहले मैं डेली का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने कल बताया था
ये जो ये पॉइंट जो है यहाँ से डाउनवर्ड एंगल जो आया हुआ है वहाँ पे ये बाय करने की कोशिश की, उसके अपवर्ड एंगल में ये रुक गया और बाद में यहाँ पे जोर से सीलिंग का प्रेशर आया। कल मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है 18,000 के नीचे एक जोर से हमको निफ्टी में नीचे की साइड में मोमेंटम मिल सकता है। तो नीचे के साइड में अभी निफ्टी कहाँ तक जाएगी, तो निफ्टी 17,540 यहाँ तक एक पहला टारगेट रहेगा, जो कि टारगेट हमको ये लो से डाउनवर्ड एंगल का भी मिल रहा है और 1/1 का सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो हमको 500, आप 17,500 पकड़ो, अगर वो टूटा तो हमको 17,150 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो निफ्टी में क्लियर कट मैंने आपको बताया भी था कि जब तक 18,300 200 क्रॉस नहीं होता है तब तक निफ्टी में भी कॉशियसली ट्रेड करना। तो वही चीज़ें हैं कि अभी ये अगर निफ्टी में ब्रेक होता है 17,700 या जो भी है, ये जो राउंडिंग पैटर्न अगर ब्रेक होता है, तो जैसे कि आज हमने निफ्टी में बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिखा है, निफ्टी में हमको अलग से प्रेशर दिखते हुए दिखेगा और जो 17,540 550 यहाँ तक जोर से जाने की उम्मीद रहेगी। तो मैं अभी भी निफ्टी में एक जोर से प्रेशर सेलिंग प्रेशर आने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी, निफ्टी में इंट्राडे में जैसे कि मैंने बताया था, ये भले ही यहाँ पे जोर से मूवमेंट आ गई, 18,040 के बाद मैंने सेल सिग्नल डाला था, क्योंकि ये जो परसों का जो एक बीच में लो आया था वहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते तो वो जब तक टूटता नहीं था तब तक मैंने सेल सिग्नल डालने के लिए अवॉइड किया था। जैसे ही वो टूटा मैंने 18,040, अगर आप देखते हैं 9:30 को मैंने ये 18,040 आया था, आप देखेंगे निफ्टी सेल सिग्नल मैंने 9:40 नहीं 9:38 को मैंने सेल सिग्नल दिया था। तो निफ्टी में यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, ये डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, सेम पैटर्न जैसे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे ही निफ्टी में सेलिंग का प्रेशर आ गया, बहुत जोर से प्रेशर आया और निफ्टी को 18,450 तक लेके गया। मैंने बताया था 18,950 के नीचे बहुत प्रेशर मतलब बेयर कंट्रोल में रखेंगे, तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही हो गया। इसके बाद कोई भी हाई से, अगर ये गिरते वक्त जो भी हाई बनाए वहाँ से कोई भी हाई से अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई बनाए, ये हाई से अगर आप देखते तो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से अपॉर्चुनिटी थी। अगर मैं जैसे बताता हूँ कि यहाँ से ऊपर आते वक्त ये फर्स्ट हाई है, ये सेकेंड हाई, सेकेंड हाई का अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस होता है तो बाय सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन ये और ये दोनों बाजू में है तो थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे सेकेंड हाई से अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो सिंगल कैंडल है, सेकेंड कैंडल में वो अंदर आ गया। तो यहाँ पे अब हमको ये चीज़ें देख के काम करनी चाहिए। इसके बाद रेजिस्टेंस के तौर पे ऊपर में अभी 17,980 जहाँ से ये प्रेशर ये पॉइंट रहेगा, 17,980 के ऊपर एक थोड़ा सा बाय सिग्नल जनरेट होगा, यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट होगा, बाय सिग्नल विल जनरेट, यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद 18,020 और 18,035 का जोन है और 18,080 का ये जो डाउनवर्ड एंगल आया है जहाँ से सेल सिग्नल आया है उसका डाउनवर्ड एंगल कहीं में रुकाने का कोशिश करेगा, वो 18,020 और 35 का एक जोन है, अगर वो भी नहीं हुआ तो 18,075 के आसपास जाके रुकेगा। मेरे हिसाब से 18,020 और 18,035 में जाके बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी रुकनी चाहिए। नीचे के साइड में 17,820, 17,750 और 17,620, अगर मैंने जैसे बताया है
ये जो पॉइंट है निफ्टी में, निफ्टी में अभी भी 620 तक, सॉरी निफ्टी में जैसे ही ये 820, एक सेकंड है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। हाँ, अगर ये यहाँ पे प्रेशर आया है, अगर 17,600 के 750 के अंदर अगर जाता है तो बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में, हाँ 750 के अंदर अगर जाता है तो निफ्टी में अगेन एक बहुत जोर से सेलिंग प्रेशर देखने को हम लोग देख सकते हैं, अच्छा सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं 17,750 के नीचे। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व करेंगे कि देखो ये लो है, ये लो है, और ये लो से जब यहाँ से टूटा तो यहाँ से ये टूटने के बाद हाई भी वहाँ पे ही बनाया। तो ये चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है कि ये कैसे काम करता है टाइम एंगल। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।